स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। जुलाई 22 की रात घनसौर ब्लॉक में 172 मिलीलीटर वर्षा दर्ज की गई, जो कि बहुत अधिक है। अचानक हुई तेज बारिश के कारण किसानों को काफी नुकसान हुआ है, जिस पर आज अनुविभागीय अधिकारी बिशन सिंह गौड़, घनसौर तहसीलदार अमृतलाल धुर्वे एवं हल्का पटवारी सहित घनसौर ब्लॉक क्षेत्र मानेगांव, मोहगांव, भिलाई, केदारपुर, पौड़ी, किंदरई पर भ्रमण किया गया। अतिवृष्टि से हुई क्षति का मौका निरीक्षण हल्का पटवारी संदीप उइके के द्वारा किया गया, जिसमें मकान क्षति, फसल क्षति तेज बहाव के कारण हो गई है। मौके पर तहसीलदार अनुभव की अधिकारी, हल्का पटवारी एवं ग्रामवासी मौजूद रहे तथा किसानों को जो अधिक वर्षा से नुकसान हुआ है, इसका सर्वे किया गया। सर, जो कल रात पे जो अतिवृष्टि के बारे में मतलब आपसे जानकारी लेना था, जो आपके द्वारा जो भ्रमण हुआ है। हाँ, रात में बहुत ज़्यादा पानी गिरा हुआ है जी। हमारे घनसौर ब्लॉक का वर्षा माफी केंद्र 172 मिलीमीटर पानी गिरा हुआ है जी, और बहुत ज़्यादा है मतलब जी। माने 2-3 साल के हिसाब से हमारे नाले में बहुत ज़्यादा पानी गिरा है। तो हम जैसे पटवार लोगों के या ग्रामवासियों के, मैंने सूचना पर SDM साहब के साथ हम गए थे, 10-12 गांव देखे हैं। नदी के किनारे किनारे फसल नुकसान हुई है, कई लोगों के मकान गिरे हैं, जिनका हम पटवारियों से आज भौतिक सत्यापन करवाए हैं, इसकी जानकारी हम दे रहे हैं। फिर कल परसों से हम फिर 2-3 विभाग मिल के फिर हम सर्वे करवाएंगे जी। सर, जो कल की अतिवृष्टि वर्षा जो हुई है, उसी के तहत आपका जो भ्रमण हुआ, उसी के बारे में जानकारी चाहिए थी। हाँ, कल की वर्षा चूँकि घनसौर तहसील में काफ़ी हुई है, तो आज मेरा सुबह भ्रमण पौड़ी, केदारपुर, गोकाल थाना, झिंझरई तक हुआ है, और मैंने फसलों का मुआवजा किया जी। कहीं कहीं नाले के पास कुछ फसलों में नुकसान हुआ है, परंतु हमारे यहाँ भी जनहानि की कोई सूचना नहीं है। फसलों में कुछ नुकसान हुआ है, इसका सर्वे कराया जी। हाँ सर, बताएं। मेरा नाम संदीप उइके है, मैं घनसौर पटवारी हूँ जी। बताएं कि क्षति के बारे में। कल रात्रि में जो अतिवृष्टि हुई थी, उसके कारण नदी नालों में तेज भराव हो गया था, तो नदी के किनारे जो धान एवं मक्का की फसलें लगी हैं, उनको बहुत ज़्यादा क्षति हुई है, जिसका मौका निरीक्षण किया गया है। और इसी के साथ साथ कुछ आवासीय मकान भी क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिनको मेरे द्वारा मौके पर जाकर पंचनामा तैयार कर लिया है और वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी प्रेषित कर दिए गए हैं।